क्या पठान ने सच में बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया? मैं कंपेयर करना नहीं चाहता, पर सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी के साथ पठान के कलेक्शन बताए जा रहे हैं। वैसे भी इनका कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि बाहुबली 2 2017 में आई थी, तब इंडियन मूवीज इतना बिजनेस नहीं करती थी, स्पेशली साउथ मूवीज। कलेक्शन तो छोड़ो, हिंदी ऑडियंस के बीच इनका मजाक उड़ाया जाता था। एक तरह से कोई भी बड़ा सुपरस्टार या डायरेक्टर तब नहीं था हिंदी ऑडियंस के लिए। वही पठान में ग्लोबल स्टार शाहरुख खान और मूवी जिस बैनर के नीचे बनी वो यशराज फिल्म्स है, जिसे शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता। वैसे बाहुबली 2 के अच्छे कलेक्शन का कारण उसकी फर्स्ट मूवी भी है, जिसने अच्छी खासी इंडियन ऑडियंस के बीच हाइप बना दी थी। पठान भी इस पर यूनिवर्स और कंट्रोवर्सी के कारण आम आदमी की नज़र में आ गई थी। और हाँ, बाहुबली 2 के हिंदी कलेक्शन 511 करोड़ का रिकॉर्ड पठान ने तोड़ दिया, और हिंदी में पठान ने 528 करोड़ रुपए कमाए और अभी तक कमा रही है। लेकिन ये केवल हिंदी कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी बाहुबली 2 ने ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1027.84 करोड़ रुपए, वही पठान ने ऑल इंडिया ग्रॉस 637 करोड़ रुपए कमाए और वर्ल्ड वाइड 1024.18 करोड़ रुपए कमाए। देख रहे हो, बाहुबली 2 ने जितने इंडिया से कमाए उतने पठान ने पूरी दुनिया से कमाए। बाहुबली 2 ने वर्ल्ड वाइड 1810 करोड़ और दंगल ने वर्ल्ड वाइड 2070 करोड़ रुपए टोटल बिजनेस किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।